हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इस वाटर पंप को रिपेयर करना सीखेंगे। इस वाटर पंप का उपयोग बिस्लेरी बोतल से पानी को आसानी से निकालने के लिए यूज किया जाता है। जो बिस्लेरी का बोतल होता है 15 लीटर या 20 लीटर का जो हमारे घर में आता है, उसमें से पानी निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इस वाटर पंप का। इस वाटर पंप को के अंदर एक यहाँ पर पतला सा पाइप लगा होता है जो हमारे बोतल के अंदर चला जाता है। बोतल के ऊपर जहाँ ढक्कन लगा होता है उसी पे इसको हम फिट कर देते हैं और इसमें लगा हुआ पतला पाइप वो बोतल के अंदर चला जाता है। और जब इसको हम यहाँ से पावर ऑन ऑफ का बटन एक दिया है, यहाँ से ऑन करते हैं, तो ये इसमें डीसी एक मोटर लगा हुआ है और बैटरी लगा हुआ है, जिससे यहाँ से ये पानी खींच करके और इस रास्ते से बाहर निकलता है, जिसको हम अपने बोतल या ग्लास में भर लेते हैं। तो ये वाटर पंप में जो कॉमन क्या फॉल्ट आता है, जो जनरली कौन से फॉल्ट आते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाएगा, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स बात करेंगे। हेलो गाइस, मैं हूं मिराज और आप देख रहे हैं मार्जे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स। मार्जे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और भी अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो आप वहां से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इसको स्टार्ट करते हैं और इसको कैसे रिपेयर करेंगे, कौन से कॉमन फॉल्ट आते हैं उसको कैसे रिपेयर करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पावर ऑन ऑफ बटन एक दिया है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट जो हम जनरली मोबाइल चार्ज करते हैं उसी चार्जिंग पोर्ट से इसको भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एक एलईडी दिया है जो ब्लिंक करता है, जिससे हमको पता चलता है कि हाँ ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। और ये आउटलेट है जो वाटर यहाँ से आउटलेट होता है और इसके सेंटर में एक पतला सा पाइप लगा होता है लंबा सा, जो वाटर इनलेट के लिए होता है, यहाँ से पानी खींच के और इधर से बाहर करता है ये, ठीक है। और भी जनरली इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका वर्किंग वोल्टेज है वो 5 वोल्ट डीसी है, ठीक है, और 4 वाट है। और इसमें जो बैटरी लगा हुआ है वो 1200 मिली एम्पियर का है, बैटरी का कैपेसिटी 1200 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो चलिए इसको फाइनली ओपन करते हैं और इसके अंदर कौन से कॉमन फॉल्ट होते हैं उसको समझते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर दो स्क्रू दिया है, आप देख सकते हैं ध्यान से, इस यहाँ और यहाँ एक दो स्क्रू दिया है, ठीक है। तो इसको ओपन कर लिया हूँ मैं ऑलरेडी और इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे स्लाइड करेंगे अप साइड में तो कुछ इस तरह से आपको इसका डिजाइन हुआ होगा, देख सकते हैं ऊपर एक किट लगा है, ठीक है, और इस तरह से कुछ इसका डिजाइनिंग है, ठीक है। और इसमें बैटरी का बात करें तो ये 3 वोल्ट का जो बैटरी आता है लिथियम बैटरी, वो बैटरी इसमें लगा हुआ है, रिचार्जेबल बैटरी है ये, ठीक है। और इसका जैक जो है यहाँ पे जैक दिया है बैटरी का, पॉजिटिव नेगेटिव जैक में लग गया है, ओके। और मोटर जो इसका है ये डीसी मोटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीसी मोटर पतला, और इसके नीचे यहाँ पर ये पंप सिस्टम इसका है और ये मोटर का दोनों जो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव का वो डायरेक्ट किट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इसमें जो कॉमन फॉल्ट आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम अब यहाँ पर मैं एक चार्जिंग पोर्ट ले लिया हूँ और इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें हुआ और नहीं चल रहा है, ऑफ है, तो ये पोर्ट डाल के आपको चेक करना है। सबसे पहले पोर्ट डाल के चेक करना है, तो ये एलईडी जो ब्लिंक हो रहा है इसका मतलब कि ये बैटरी चार्ज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई पहुँच रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो जैक है चार्जिंग पिन जैक, यही ख़राब हो जाता है, यही ख़राब हो जाता है, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं आप। अगर ऐसा लाइटिंग इसमें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि ये जैक ख़राब है, और ये जो पिन है ये डाटा केबल दूसरे मोबाइल में या दूसरे इक्विपमेंट में काम कर रहा है, इस पिन इसको चार्ज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये आपका पिन ख़राब है, ठीक है। इसको भी चेंज करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लो हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके पास मल्टीमीटर हो या क्लैंप मीटर हो, कोई भी हो, उसको हम करेंगे डीसी मोड में, ठीक है, डीसी वोल्टेज चेक करने। उसके बाद से ये आप चार्जिंग में लगा करके इसको चेक कर लिए, ये ओके है,
इसको हटा देते हैं। उसके बाद से हम जो सेकंड स्टेप हमारा होगा वो बैटरी हम चेक करेंगे, बैटरी हमारा चार्जिंग है या नहीं, क्या है, ख़राब है या सही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो ब्लैक वाला प्रोब है उसको निगेटिव पे लगाएंगे और रेड वाला प्रोब है पॉजिटिव पे लगाएंगे, तो आपका मल्टीमीटर या क्लैंपमीटर आपका रीडिंग शो होगा। कुछ मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं रीडिंग शो हो रहा है, यानी 3 वोल्ट, यानी बैटरी हमारा सही है। जनरल जो फॉल्ट आता है वो बैटरी का ही आता है, बैटरी ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से चार्जिंग भी नहीं कर पाता है या फिर मोटर को भी नहीं चला पाता है। तो ये बैटरी आपको मार्केट में मिल जाता है, आप इसको लेकर के बैटरी चेंज करके भी दे सकते हैं। ऐसे चेक करेंगे वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा, इसका मतलब कि बैटरी ख़राब है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप ज़्यादा दिन तक इसको रख देते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसको आप क्या करें 2-3 घंटे चार्ज में रखें, उसको देखें और फिर बैटरी को चेक करें, ओके। तो ये भी सही है। उसके बाद से आपको क्या करना है कि कभी कभी मोटर का भी प्रॉब्लम आता है तो इसको क्या करना है, आपको मल्टीमीटर को करना है कंटिन्यूटी मोड पे और यहाँ पे कंटिन्यूटी इसका चेक करना है। देखिए मोटर का कंटिन्यूटी, ये बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये मोटर सही है हमारा, ओके। फिर इसको करते हैं हम डीसी मोड पे करने के बाद से कभी कभी ये स्विच का प्रॉब्लम भी होता है, ये स्विच ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो स्विच को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि स्विच को ऑन करने के बाद और यहाँ पे जो स्विच का जो आउटपुट टर्मिनल है वहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, ओके। तो ये कि यहाँ है और ये कि यहाँ है, ओके। तो हम ऑन करते हैं, देखिए वोल्टेज आ रहा है और चल भी रहा है ये, ठीक है। अभी ऑफ हो गया, वोल्टेज आ रहा है, चल रहा है। तो अगर आपको स्विच ऑन करने पे यहाँ पे वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब कि आपका स्विच ख़राब है, ठीक है। तो यही सारे कॉमन फॉल्ट आते हैं और ज़्यादातर इसमें कुछ फॉल्ट नहीं आता है और इसमें और कुछ खास इसमें इसका वो नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी बस यही है कि यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है पतला सा लंबा, जो पानी को खींच करके बाहर करता है, ये मोटर उसको घुमाता है, और ये सारे छोटे इक्विपमेंट लगे हैं, डीसी इक्विपमेंट कुछ इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं इसके फॉल्ट को समझाने की कोशिश किया हूँ, और मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और पर्सनली इस वाटर पंप में क्या प्रॉब्लम था उसको मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इस बैटरी का प्रॉब्लम था, ठीक है। बहुत दिनों से रखा हुआ था, बैटरी चार्ज नहीं था, तो इसमें यही फॉल्ट था, मैं उसको चेंज किया, ये सही हो गया अभी, ठीक है, अभी सही कंडीशन में। तो मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।